पूर्णिया में अब आरोपियों को पूर्णिया पुलिस नहीं बल्कि खुद पीड़ित करेंगे गिरफ्तार। पुलिस से बार बार गुहार लगाकर थक चुके युवक ने खुद उठाया कदम। पूर्णिया पुलिस को आईना दिखाने के लिए युवक ने उठाया साहसिक कदम। पूर्णिया के लोगों का अब पूर्णिया पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। पुलिस से बार बार गुहार लगाकर थक चुके पीड़ित अब खुद आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंप रही है। इससे पुलिस की मेहनत और गाड़ी के पेट्रोल की भी बचत हो रही है। दरअसल पूरा मामला भवानीपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। छठ पूजा की शाम झारखंड पुलिस के जवान की पीठ फिर कर कुछ लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक भाई ने 6 लोगों को अभियुक्त बनाया था। पीड़ित ने बताया कि चूंकि उसका भाई पुलिस था, उसे उम्मीद थी कि बिहार पुलिस उसकी मदद करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। प्रीत ने बताया कि सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे थे और उसे धमका रहे थे, जिसकी सूचना प्रीत भवानीपुर पुलिस को दे रहे थे। वहीं पुलिस सभी को भगोड़ा बताकर गिरफ्तार करने का सिर्फ आश्वासन दे रहे थे। वहीं आज मृतक का भाई किसी काम से लाइन बाजार आया तो एक आरोपी सामने से आते दिखा, जिसके बाद उसे पकड़कर हल्ला करने लगा, जिसके बाद लोगों के सहयोग से उसे पकड़ा गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही केहार थाना पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले आई और भवानीपुर पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं इस घटना के बाद भवानीपुर पुलिस के कारशैली पर उंगली उठने लगी है। इससे पूर्व भी जब घटना घटी थी तब भी भवानीपुर पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की। जब पुलिस जवान की मौत हो गई तब भी वो चैन की नींद सोई रही, जिसका नतीजा यह घटना है। आप पे जो आरोप लग रहा है, आपसी जो है ना सर, आपसी लता मंदिर के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, ठीक, उसी में जो है थोड़ा बहुत जो है मिस से इनके भाई बम बम कुमार यादव की भाई मुकेश यादव को लाठी लगे हुए हैं, जिसके कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमारा कोई भी किसी भी थाना पूरा बिहार में कहीं क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, देख सकता है। मुख्य अभियुक्त तो आप ही हैं इसमें? मुख्य अभियुक्त में फंसाया गया है सर। फंसाया गया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधाकर। कहाँ घर हुआ आपका? बादल में। ये देखिए मेरे भैया को मार के पूर्णिया में खुलेआम घूम रहे हैं। खुलेआम सुधाकर कुमार मैन अभियुक्त है। मैंने अभियुक्त था, प्रशासन को भी फोन किया, अभी तक नहीं आए हैं। भवानीपुर का ये कांड है, माधव नगर का। देखिए किस तरीके से पकड़े हुए हम बम बम कुमार, जब मेरा भाई झारखंड पुलिस को ये मर्डर करके भागा, ये घूम रहा है खुलेआम, पुलिस को नहीं पकड़ पा। क्या मामला था? मामला ये था, भैया आए थे छठ पूजा में छुट्टी लेके झारखंड पुलिस है और पूर्व रंजिश में। क्या नाम है भाई? भाई का मुकेश कुमार यादव, पूर्व रंजिश। ये लोग घात लगाए हुए थे, छुट्टी में कम आते थे। पूर्व रंजिश एक केस चल रहा था इन लोग के परिवार में, उसी में ये लोग बोला केस उठाओ नहीं तो मार देंगे। पहले से ही धमकी दे रहा था, छठ में आया मौका मिल गया, सुबह छुट्टी से चला जाता छठ पूजा करके, और शामे में 7:30 बजे तकरीबन ये पूरा परिवार लोग आया। मेरे भैया को लाठी डंडा लोहा का रड से माथा चूर चूर कर दिया था 4 दिसंबर को मैक्स 7 में भर्ती थी डेट कर गए। इसके बाद ये लोग खुलेआम घूम रहे थे। आज हम लोग इसको देखे लाइन बाजार में, हम भी कुछ काम से आए हुए थे पूर्णिया, इनको देखे तब इनको पकड़े और स्थानीय पुलिस के हाट को इसके बारे में सूचना दिए। ये विभाग सुधाकर कुमार मुख्य अभियुक्त है। ये लोग यही मारा था पहला जो है ना, दूसरा बांस का टुकड़ा से यही वार किया था। विवाद क्या था? विवाद पुराना था, पुराना अपहरण वाला केस था, उसी में चल रहा था। ये लोग केस उठाने के लिए बोल रहे थे, उसी में उसी को लेकर आया और द्वार पे भैया और हम लोग दरवाजे पर बैठे थे, घर में घुस के दरवाजे पर घुस के चारों बगल से घेर लिया, मारना स्टार्ट कर दिया। उस समय क्या आपके अकेले आज मारा? नहीं, हम भी थे, भैगना सब था जी, सब दरवाजा पर थे। इंडिया और मैच था लास्ट वर्ल्ड कप का, वही सब आदमी दरवाजा पर देख रहे थे और हम भैया से बातचीत कर रहे थे। आया सब, हम वहां पे साइड हो गए, नहीं तो हमको भी मार देता, हम बच गए। अधमना कर दिया पूरा जी। कितने लोग थे? 6 आदमी, 6 अभियुक्त हैं, जो कि दिवाकर कुमार फर्स्ट गिरफ्तार हुआ, दूसरा गिरफ्तार सुधाकर कुमार, दोनों भाई गिरफ्तार हो गया। अभी भी 4 अभियुक्त फरार हैं, जो कि भवेश कुमार,
पिता अनुरोध यादव, अमर कुमार, पुल्ठू यादव, अमोद यादव और छोटू कुमार, ये चार अभियुक्त अभी भी फरार है। और ये लोग लगातार हम लोग को धमकियां दे रहे हैं, हम लोग का परिवार उजाड़ दिया, हम लोग बेघर हो गए, हम लोग अकेले हैं और हम लोग उस तरह के प्रवृत्ति के लोग नहीं है। हम खुद पत्रकार हैं भवानीपुर प्रखंड से और हमारा भैया झारखंड पुलिस में थे, भाभी बेसुध है, वो उनका दिमाग अभी काम नहीं कर रहा है। हम पर कब से था चल रहा था, ये डेढ़ महीना तकरीबन चल रहा था। 19 नवंबर को कांड हुआ, तभी से ये फरार चल रहा है। पुलिस नहीं पकड़ रही थी, पुलिस मतलब पुलिस की गिरफ्त से फरार है, तो वो भी प्रयास कर रहे थे, पकड़ नहीं सक रहे थे। तो हम लोग इनको गुप्त सूचना मिला था ये पूर्णिया में रहेगा, हम लोग चारों बगल आदमी हम लोग थे इसको शिकार में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बमन कुमार। और महा पुलिस अध्यक्ष से निवेदन है कि जल्द से जल्द हमको न्याय दीजिए और चारों अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाए, तब हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हम लोग का भी कभी भी कोई भी अन्याय हो सकता है, घटना हो सकता है, मर्डर हो सकता है। इन लोग का यही नारा है, पूरा परिवार को उजाड़ देना, इन लोग का यही है, निवेदन करते हैं। पिता का नाम क्या है आपका? भीम यादव। मेरे पिताजी भी एसआई थे, हम लोग देश सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा में रहते, पिताजी भी एक्सपायर कर गए, हम लोग बेघर हो गए। यही कहाँ करोगे? माधव नगर भवानीपुर। द बिग शॉप पूर्णिया, कीजिए अपनी शादी की पूरी तैयारी हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन से। ब्राइडल एंड पार्टी वियर, लहंगा, शेरवानी को